हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत भूगोल चल रहा है। भारत भूगोल में पिछली वीडियो हमने सिंचाई एवं नहरों के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने बताया था सिंचाई के साधनों के बारे में, जैसे लघु, मध्यम और दीर्घ। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम इस तरीके से बताते हैं, जल संभर विकास तक हम आ गए थे। तो जल संभर विकास के बारे में उन्होंने बताया था कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे जल जो है एक ही बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। फिर इसके कुछ लाभ बताए थे। लाभ में हमने बताया था पीने व सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जलाक्रांत और लवणता में कमी, कृषि उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि होती है, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर उच्च होता है, रोजगार में वृद्धि। ठीक है, स्थानीय लोगों की सहभागिता से आपसी मेल जोल बढ़ता है। परिणाम के बारे में हमने जल संभर के विकास के परिणाम के बारे में बताया, तो इच्छित परिणाम नहीं मिला। उसका रीजन ये रहा कि वैज्ञानिक सोच का अभाव रहा, लोगों में तकनीकी कमियां रहीं, स्थानीय लोगों के सहयोग की कमी रही, विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग का अभाव रहा, पृथक मंत्रालय नहीं था। ठीक है, आज हम देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जो फैक्ट्स आपको बताए जाएं उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, हो सकता है इसमें कुछ फैक्ट्स ना दिए गए हों, तो थोड़ा सा इन सबका ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। ठीक है ना, नाम से ही पता है, बहु उद्देश्य, बहुत सारी सारे उद्देश्य को लेकर, बहुत सारे उद्देश्य से संबंधित है नदी घाटी परियोजना। जैसे सिंचाई भी हो सकता है, उसे बिजली बिजली भी पैदा कर सकते हैं, और बाढ़ को भी नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो कई सारे उद्देश्य हैं इनके। तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में अगर देखा जाए, तो यह भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा नदी। ठीक है, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में अगर बात करें, तो सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण, हमने बताया था विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ये सब काम रहते हैं इनके। ठीक है, इसलिए इनको बहुउद्देशीय बोला जाता है। हम आते हैं सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। गुजरात में जगह का नाम है नौगांव। ठीक है, तो नौगांव के पास में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना चल रही है। ठीक है, वहीं पे इसका निर्माण हुआ है। अब इसके लाभान्वित राज्यों की अगर हम बात करें, अच्छा नौगांव आपको बताया था, एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है 183 मीटर, 183 मीटर ऊंचा है, जो कि आपके कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ठीक है, कुतुब मीनार 72 मीटर, मात्र 72 मीटर ऊंचा है। तो 183 मीटर ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति लगी है, उसको भी स्थापित किया गया है यही नौगांव में। ठीक है, और इसी के पास, मतलब सरदार सरोवर परियोजना के पास में है। ठीक है, लाभान्वित राज्य की बात करें, तो गुजरात है, राजस्थान है, और मध्य प्रदेश, साथ में महाराष्ट्र को भी इससे फायदा होगा। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को इससे फायदा हो रहा है। इसी के विरोध में आपको पता होगा मेधा पाटकर ने क्या आंदोलन चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था,
शुरू में नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं था, उसका नाम था धारंग राष्ट्र समिति। धारंग राष्ट्र समिति की स्थापना 1986 में, 1986 में की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा? मेधा पाटकर के द्वारा। तो मेधा पाटकर ने सरदार सरोवर परियोजना के ही विरोध में धारंग राष्ट्र समिति की स्थापना 1986 में की थी, जिसका नाम 1989 में बदल दिया गया और नाम रखा गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगली योजना का नाम है चंद्रशेखर आजाद परियोजना, हथनी नदी पर है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद परियोजना हथनी नदी पर है, ये भी चीज ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए पंजाब हरियाणा राजस्थान का एक संयुक्त उपक्रम है, नाम है भाखड़ा नंगल बांध परियोजना। ठीक है, तो भाखड़ा नंगल बांध परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है, कहाँ पे है? सतलज नदी पर, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, तो एक चीज है कि इसके तीन राज्यों, यह तीन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, लेकिन कमांड क्षेत्र की जब बात आएगी तो उसमें आपको हिमाचल प्रदेश को भी साथ में लेना होगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा कमांड के रूप में, हरियाणा पंजाब और राजस्थान, ये सभी इसमें शामिल होंगे कमांड एरिया में, लेकिन संयुक्त उपक्रम जो है पंजाब हरियाणा और राजस्थान का है। ठीक है, चलिए एक है भारत का पहला जल विद्युत कार्यक्रम, दो है, पहला तो आपका सिद्रापोंग में है, दार्जिलिंग को बिजली आपूर्ति करने के लिए पहला जल विद्युत कार्यक्रम 1897 में सिद्रापोंग या सिद्राबाग, सिद्रापोंग सिद्राबाग में चालू किया गया था पहला जल विद्युत कार्यक्रम भारत का। वो भी क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग को बिजली की आपूर्ति करनी थी, इसके लिए शुरू किया गया। तो दूसरा जल विद्युत कार्यक्रम भाई कब चला, कहाँ चला है, तो आपको पता होना चाहिए शिव समुद्रम जो परियोजना है वो दूसरी जल विद्युत परियोजना है भारत की। ठीक है, किस पे है? कावेरी नदी पर है। ठीक है, ये इसकी स्थापना हुई है 1902 में, कर्नाटक में स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा। तो पहला है सिद्रापोंग, ये सिद्राबाग, दार्जिलिंग को बिजली आपूर्ति करनी थी, दार्जिलिंग के जो चाय के बागान उगान थे उनको, और दूसरा है कावेरी नदी पे बना हुआ शिव समुद्रम परियोजना जो कि 1902 में बना है, कर्नाटक में स्थित। चलिए अगली परियोजना का नाम है कृष्णा सागर बांध परियोजना। तो कृष्णा सागर बांध परियोजना क्या है? कृष्णा सागर बांध परियोजना कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है, कृष्णा सागर बांध परियोजना कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। इसकी रूपरेखा की अगर हम बात करें तो एम विश्वेश्वरैया ने इसकी रूपरेखा दी थी। एक चीज हमने इनके बारे में और बताया था, तो जो नदी जोड़ो कार्यक्रम का विचार दिया था तो वो एम विश्वेश्वरैया ने ही दिया था। ठीक है, अच्छा, कृष्णा सागर बांध की बात कर रहे हैं तो यहीं पे वृंदावन उद्यान है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ जाए कि वृंदावन उद्यान कहाँ है, तो हो सकता कुछ लोग सोचेंगे उत्तर प्रदेश में ही होगा क्योंकि मथुरा वृंदावन यहीं पे है, तो ये गलत होगा। सही है कि ये वृंदावन उद्यान कृष्णा सागर बांध के पास में है, कावेरी नदी के, ठीक है, आसपास। ठीक है ना, इतना ही भी ध्यान रखना तो ये चीज होगी। आगे अब कावेरी नदी की बात हो रही तो इसके विवाद की भी बात हो जाए, तो कावेरी नदी जल विवाद की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी तथा केरल, इन चार राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद चल रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी ये किस आर्टिकल के तहत आता है ये आपको बताना, इसका आर्टिकल बताना है कावेरी जल
जल विवाद प्राधिकरण है ना, तो कौन सा एक्ट है, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, नागार्जुन सागर बांध परियोजना अगला है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है, ठीक है, कृष्णा नदी पर स्थापित बहुउद्देशीय परियोजना का नाम है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। तो ये कहाँ पे है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न में ऑप्शन आता है तेलंगाना में है, तो कभी ऑप्शन आता है कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों रहेंगे तो तेलंगाना ही रहेगा सही, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है नागार्जुन सागर बांध के ही तहत चिनाई बांध भी बनाया गया है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के तहत मतलब नागार्जुन सागर बांध परियोजना के तहत चिनाई बांध भी बनाया गया है, यह आंध्र प्रदेश तेलंगाना में विस्तारित हमने बताया, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे है, हीराकुंड बांध परियोजना, ये कहाँ है भाई, महानदी पर है और विश्व का सबसे लंबा बांध है ना, विश्व का सबसे लंबा बांध है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है ना, उड़ीसा में है ये, ठीक। तो महानदी पर है हीराकुंड बांध और विश्व का सबसे लंबा बांध भाई, इसका 4801 मीटर लंबा है, मतलब 4-5 लगभग 5 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगली परियोजना का नाम है चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी महू से निकलती है, ठीक है, जाना पाव पहाड़ी से निकलती महू, महू कहाँ है, मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में है, ठीक है। महू क्या है कि महू अंग्रेजों के ज़माने में मिलिट्री छावनी हुआ करता था, ठीक है, तो MH महू ऐसे लिखते हैं, महू W MHOW स्पेलिंग है महू की, ध्यान रखना। तो ये चंबल घाटी परियोजना है, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश, चंबल नदी निकलती है हमने बताया जाना पाव पहाड़ी से निकल रही है, इटावा के पास, इटावा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ना हमारे यहाँ, तो इटावा के पास यमुना से मिलती है, ठीक है। तो इस पे तीन बांध बनाए गए चंबल नदी पे, इटावा के पास ये यमुना से मिल रही, तो मतलब यमुना की सहायक नदी भी है, आपको पता होना चाहिए। तो इस पे जो तीन बांध बने हुए हैं, एक तो गांधी सागर है, गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में है जो कि चंबल नदी पर ही चंबल घाटी परियोजना के तहत स्थापित किया गया, और दो हैं और, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर कहाँ पे हैं, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई, इटावा के पास यमुना से मिल रही है, ये भी चीज़ में ध्यान रखना है, ठीक है। इटावा बीहड़ के लिए, बीहड़ क्षेत्र के लिए जो है चंबल रीजन यहाँ तक आता है, तो ये भी उसके लिए प्रसिद्ध महाखंड वाले क्षेत्र के लिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा फिर आगे क्या है, एक परियोजना है मयूराक्षी, प्रश्न आता है इसका मयूराक्षी पे, मयू ऐसे मयूराक्षी परियोजना, ये मयूराक्षी परियोजना कौन कौन से राज्य के बीच में है, ये आपको बताना है। ये दो राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, ठीक है, मयूराक्षी परियोजना ये आपके लिए प्रश्न है, इसको भी बताना है, ठीक है। नहीं तो हम बता दें कि ये पश्चिम बंगाल और फिर झारखंड में, ठीक है, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ठीक है ना, दो राज्यों का। चलिए आगे है टिहरी बांध परियोजना, टिहरी
टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे है? टिहरी बांध परियोजना आपके भागीरथी और भिलंगना नदी के तट संगम पर है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदी है, इन दोनों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध परियोजना। और टिहरी जल विद्युत विकास निगम की भी स्थापना की गई है, ठीक है। टिहरी जल विद्युत विकास निगम की भी स्थापना की गई है। और इसके बारे में एक और बात है कि देश का सबसे ऊंचा बांध है, करीब 261 मीटर, 260.5 मीटर ऊंचा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध आपको पता चल गया, विश्व का सबसे लंबा बांध भी पता चल गया। तो देश का सबसे ऊंचा बांध आपको कौन सा है? 260.5 मीटर ऊंचा है टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। इसी के साथ अगला देखते हैं, दामोदर घाटी परियोजना क्या है भाई? दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, ठीक है। दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना विकसित की गई है। और दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक, ठीक है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर किसकी सहायक नदी है, ये भी बात हो सकती है। तो ये हुगली की सहायक नदी है ना। तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। एक चीज़ ध्यान ये भी रखना है कि अमेरिका की जो टेनिसी घाटी परियोजना है, अमेरिका की टेनिसी घाटी परियोजना के आधार पर इसकी रूपरेखा तैयार की। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा किसके आधार पर तैयार की गई? तो आपको ध्यान होना चाहिए, यूएसए के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर तैयार की गई, ठीक है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं दामोदर की, कौन 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 सी है भाई? एक तो बराकर है, बराकर पर तीन बांध बने हुए हैं। नाम क्या है उनका? मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया। बीपीएससी देने जा रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध बराकर पर ही बने हुए हैं, बराकर नदी परियोजना के तहत आते हैं, ठीक है। पहला चरण है इनका, ये भी ध्यान रखना है। फिर दामोदर की ही एक और सहायक नदी है, नाम है उसका कोनार नदी। दामोदर की एक और सहायक नदी है, नाम है उसका कोनार, को नार नाम है, इस पे बना है कोनार बांध, नाम कोनार बांध ही है, ठीक है। तो ये भी दामोदर की सहायक नदी है, ठीक। दामोदर नदी पर एक और बांध है, बनाया गया है, जिसको बोलते हैं पंचेत हिल बांध। दामोदर पर एक और बांध बना हुआ, नाम है इसका पंचेत हिल बांध, ये भी दामोदर नदी पर बना हुआ है, ठीक। तो कोनार बांध कोनार नदी पर बना है, जो कि दामोदर की सहायक है। बराकर दामोदर की ही सहायक नदी है, जिसपे मैथान, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसी परियोजना के तहत किसके? डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन है ना। तो डीवीसी के तहत ही दुर्गापुर बैराज से दो नहरें निकाली गई हैं। तो ध्यान रखना, दामोदर घाटी परियोजना के तहत किस स्थान से दो नहरें निकाली गई? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि दुर्गापुर बैराज से दो नहरें निकाली गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दुर्गापुर कहाँ भाई? दुर्गापुर आपका पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। चलिए फिर चुक्का बांध। चुक्का बांध कहाँ भाई? भारत भूटान की परियोजना है ये चुक्का बांध। चुक्का बांध भारत भूटान की परियोजना है और यह वांगचू या फिर रैदक नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ऊंचाई इसकी बोलते हैं 40 मीटर ऊंची है, ठीक है। भारत का सहयोग मिला इसको और भारत ने क्या किया, भूटानी प्रबंधन को 1991 में सौंप दिया, ठीक है। एक और शर्त है इसमें
जो चुक्का बांध परियोजना से जो बिजली उत्पादित होगी उसका 70% भारत सरकार खरीदेगी, ठीक है, उसका 70% भाग भारत आयात करेगा, ठीक है ना, ये भी चीज आपको ध्यान रखना। तो 91 में भूटानी प्रबंधन को दे दिया गया है चुक्का बांध को, वांगचू अरैदक नदी पर है, 40 मीटर ऊंचा है, भारत सरकार ने पूरी, भारत सरकार का पूर्ण वित्त पोषित परियोजना है ये भी ध्यान रखना है, पूरी तरह से पैसा दिया भारत सरकार ने, इसमें मदद की है, ठीक। और दूसरी चीज, 70% बिजली उत्पादन जो होगा उसका 70% भाग आयात करना करेगी करेगा भारत, ठीक है। इडुक्की परियोजना ये कहाँ पे है? इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, पेरियार केरल में है। ध्यान ये भी रखना कि पेरियार जो नदी है वो केरल की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है। तो पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है और पेरियार पर ही इडुक्की परियोजना का निर्माण किया गया है। और इडुक्की परियोजना जो है एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है। आर्क क्या होता है? आर्क ये वाला शेप होता है ना, ये वाला ऐसे कुछ कर होता ठीक है। तो आर्क बांध है एशिया का सबसे बड़ा इडुक्की परियोजना, ठीक। फिर तेलुगु गंगा परियोजना क्या है भाई? तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, वो गंगा आ गए तो इसका ये मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश में कहीं होगा, बिहार में या पश्चिम बंगाल में कहीं हो सकता है या उत्तराखंड में, ठीक है। तो तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक में है। यह बना हुआ है कृष्णा नदी पर, ध्यान रखना, कृष्णा नदी पर बना हुआ है आंध्र प्रदेश में। तो तेलुगु गंगा परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक को लाभ मिलेगा इससे, ठीक है। अगली परियोजना का नाम है मेटूर बांध परियोजना। मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर है, ध्यान रखना है, तमिलनाडु में, ठीक। मयूराक्षी परियोजना, देखिए हमने ऊपर पूछा था पश्चिम बंगाल और झारखंड में है, मयूराक्षी नदी पर भी है। यहाँ पे मयूराक्षी नदी पर ही जो मयूराक्षी परियोजना है वो तो है ही है, एक और है कनाडा बांध। कनाडा बांध कनाडा में नहीं है, भारत में ही है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? कनाडा बांध जो है मयूराक्षी नदी पर ही बनाया गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगली परियोजना कौन सी है? अगली परियोजना है पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है तेलंगाना में। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। जायकवाड़ी परियोजना की हम बात करें तो ये भी गोदावरी नदी पर है महाराष्ट्र में। तो सबका सबकी स्थिति याद रखनी है। तो एक पोचमपाद परियोजना वो भी गोदावरी पर है, तो वो है आपका तेलंगाना में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर ही है, वो है लेकिन महाराष्ट्र में। एक है कालपोंग जल विद्युत परियोजना, कालपोंग जल विद्युत परियोजना है और ये है कालपोंग नदी पर, कालपोंग नदी पर बना हुआ कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकमात्र जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे है रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद बांध परियोजना कहाँ है भाई? इसका एक और नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर जीवी पंत, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध परियोजना भी इसको बोलते हैं। ये रिहंद बांध परियोजना के बारे में बता रहे हैं, ठीक। ये है रिहंद नदी पर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। अब उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है तो जगह का नाम क्या है? पिपरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है तो पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है रिहंद बांध परियोजना, जिसको गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहते हैं। यह 934 मीटर लंबा है, यूपी के लिहाज से बता रहे हैं, 934 मीटर लंबा, लगभग 1 किलोमीटर मान चलते हैं, और 91 मीटर ऊंचा भी है, ठीक है। फिर इसी में ध्यान रखना कि
ओबरा में जल विद्युत गृह स्थापित है इसी के आधार पर। ओबरा में, ओबरा जल विद्युत गृह भी स्थापित है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना, इतना भी ध्यान रखना, रिहंद बांध पर ही बना होगा। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है रिहंद बांध परियोजना, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। अगली परियोजना का नाम क्या है? अगली परियोजना का नाम है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, ताप्ती नदी गुजरात में है, ठीक है, ये भी बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी ध्यान रखना है। फिर कालागढ़ बांध परियोजना है, तो कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर है, ध्यान रखना है। फिर आ जाता है कोयना परियोजना, कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में, ठीक है, कोयना नदी, कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। एक और है, अभी तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक और देख लीजिए, तवा परियोजना। तवा परियोजना कहाँ हो सकती है? तो नाम ही नाम है, तो तवा नदी भी हमारे यहाँ है, ठीक है, तो तवा नदी पर है ये परियोजना। कहाँ है तवा नदी? मध्य प्रदेश में, ठीक है। पश्चिमी सीमा पे अगर इसके देखा जाए, इसके पश्चिमी सीमा मतलब इस साइड में, इस साइड में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी साइड में ही बोरी वन्य जीव अभयारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी साइड में ही है तवा परियोजना के। तो ध्यान ये भी रखना है कि तवा परियोजना के पश्चिमी साइड में बोरीवली, बोरी वन्य जीव अभयारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। चलिए आगे है पोंग बांध। तो पोंग बांध कहाँ भाई? पोंग बांध आपका व्यास नदी पर है, ठीक है, तो पोंग बांध व्यास नदी पर है, जगह है हिमाचल प्रदेश। व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है, ठीक है, महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ। महाराणा प्रताप सागर झील कौन क्या है? यह एक पक्षी विहार घोषित हुआ है। तो हो सकता प्रश्न ऐसा भी आए, वो कौन सा बांध है जिस पे महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है और जिसे एक पक्षी विहार के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पोंग बांध की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, ये भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला, अगली अगला बांध है मेजा बांध। मेजा बांध कहाँ भाई? मेजा बांध कोठारी नदी पर है, राजस्थान में है, बनास की सहायक नदी है कोठारी। तो कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजा बांध, कोठारी जो है बनास की सहायक नदी है। बनास किसकी सहायक नदी है ना? बनास की सहायक है कोठारी, तो बनास भी किसी की सहायक होगी, ये बनास जो है मेरे ख्याल से चंबल की सहायक नदी होगी, ठीक है। चलिए आगे है तुलबुल परियोजना। भैया कहाँ है? झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान में इसका एक दूसरा नाम है, नाम है उसका वूलर बैराज। पाकिस्तान में इसको वूलर बैराज बोलते हैं, वो, और ये जो तुलबुल परियोजना है ये वूलर झील के मुहाने पर, वूलर झील के मुहाने पर स्थित पाकिस्तान में वूलर बैराज के नाम से जाना जाने वाला तुलबुल परियोजना भारत में चिनाब नदी पर, झेलम नदी पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो इतना ध्यान हुआ कि वूलर झील के मुहाने पर पाकिस्तान में वूलर बैराज के नाम से जानी जाने वाली तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला है, अगली परियोजना का नाम है बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना क्या है? यह भी ये चिनाब नदी पर है, यह भी जम्मू कश्मीर में। तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है।
पाकिस्तान में बुलर बैराज बोलते हैं, बुलर झील के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, इतना हो गया। अगली परियोजना का नाम है गिरना, गिरना। तो गिरना नदी है भैया महाराष्ट्र में, इसी पे ये बना हुआ गिरना परियोजना, ध्यान रखना गिरना का, गिरना भी एक नदी है। ठीक है, पांबा परियोजना फिर है। अब पांबा परियोजना कहाँ है? पांबा परियोजना पांबा नदी में है, पर है केरल में। तो केरल की सबसे लंबी नदी क्या है? केरल की सबसे लंबी नदी का नाम है पेरियार नदी। ठीक है, जिसपे सबसे एशिया का सबसे लंबा आर्क बांध बनाया गया है, तो ये हमको ध्यान रखना। ठीक, अगली परियोजना का नाम है सुइल परियोजना। सुइल परियोजना सुइल नदी पर है, सुइल रावी नदी की सहायक है, रावी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुइल परियोजना सुइल नदी पर है, सुइल परियोजना रावी की सहायक नदी सुइल पर स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, हाँ, रावी की सहायक नदी है, ये भी दिया गया है इसमें। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ भाई? दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना भी चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, एक इसमें छूट रहा है दमन गंगा परियोजना, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। दमन गंगा परियोजना कहाँ पे है ये? दमन गंगा परियोजना दमन गंगा नदी पर है। ठीक है, ये दमन गंगा परियोजना दमन गंगा नदी पर है, जिले का जगह का नाम है वलसाड और राज्य का नाम है गुजरात। ठीक है, तो दमन गंगा परियोजना दमन गंगा नदी पर है, जो कि गुजरात के वलसाड जिले में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम राजघाट पर पहुंचे हैं। राजघाट लक्ष्मी बाई बोलते हैं इसको, राजघाट परियोजना को लक्ष्मी बाई परियोजना भी कहा जाता है, और यह बेतवा नदी पर स्थित है। तो बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो पता होना चाहिए, ये चंबल की सहायक नदी है बेतवा, है ना। बेतवा नदी पर राजघाट या लक्ष्मी बाई परियोजना स्थित है, यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है राजघाट या लक्ष्मीबाई परियोजना। कभी कभी ये झांसी का भी नाम आ जाता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन में तो ध्यान रखना इसका। फिर अगले परियोजना का नाम क्या है? अगला बांध है किसाऊ बांध, किसाऊ बांध परियोजना। तो किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का संयुक्त उपक्रम है ये। हिमाचल प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है टोंस नदी पर बना हुआ किसाऊ बांध परियोजना। और टोंस नदी की बात हो रही तो टोंस नदी यमुना की सहायक है। टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है, उत्तर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का संयुक्त उपक्रम है किसाऊ बांध परियोजना। ठीक है, अगला एक है बबली प्रोजेक्ट। बबली प्रोजेक्ट कहाँ भाई? गोदावरी नदी पर है। बबली प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर है, ये महाराष्ट्र और तेलंगाना में है। ये अति विवादित वाली बांध परियोजना है, महाराष्ट्र और तेलंगाना की अति विवादित बांध परियोजना है। तो ध्यान रखना है कि अति विवादित परियोजना महाराष्ट्र तेलंगाना की कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए बबली प्रोजेक्ट, जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर महाकाली संधि। ये महाकाली संधि क्या है भाई? महाकाली संधि जो है ये भारत और नेपाल के बीच में हुई है। महाकाली संधि भारत नेपाल के बीच में हुई है, किसके पानी को लेके? शारदा नदी के जल उपयोग की सीमा को निर्धारित करने के। तो महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच में हुआ है, शारदा नदी के जल उपयोग की सीमा को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, इतना आपको पता हुआ। चलिए आगे चलते, आगे महाकाली संधि के तहत क्या क्या हुआ है? तो महाकाली संधि के तहत शारदा बैराज, टनकपुर बैराज, पंचेश्वर परियोजना, बीपीएससी का स्पेशल देना है। तो
थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है। तो टनकपुर बैराज, पंचेश्वर परियोजना, शारदा बैराज, ठीक है, तो ये किसके कौन किस संधि के तहत स्थापित किए गए हैं? तो महाकाली संधि के तहत, जो कि भारत नेपाल के बीच में शारदा नदी के जल उपयोग क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया गया। ठीक है, ये सब हो गया। अगला है कल्पसर परियोजना। कल्पसर परियोजना ये खंभात की खाड़ी में है, ध्यान रखना है। कल्पसर परियोजना खंभात की खाड़ी में स्थित है, या खंभात की खाड़ी के पार भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, कहाँ पे? गुजरात में। खंभात की खाड़ी में है तो गुजरात में ही होगा। ज्वारीय शक्ति उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है कल्पसर परियोजना। ज्वारीय शक्ति उत्पन्न करने के लिए निर्मित किया गया है, ये मीठे पानी की परियोजना है। जो कल्पसर परियोजना है ये मीठे पानी की परियोजना है, ज्वारीय शक्ति उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे एक विशाल जलाशय का निर्माण करके, जिसके जल का उपयोग कृषि, पेयजल, औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे भी है। अब देखिए, माता टीला बांध, ये माता टीला बांध है। माता टीला बांध भी बेतवा नदी पर है, हमने बताया। एक बेतवा नदी पर एक और है, नाम है राजघाट या लक्ष्मीबाई परियोजना, ललितपुर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो माता टीला बांध भी बेतवा नदी पर ही स्थित है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं और राज्य भी हैं। तो राष्ट्रीय पार्क एक है इंद्रावती। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क आपका छत्तीसगढ़ में है। बेतवा राष्ट्रीय पार्क झारखंड में है। मोलेम कहाँ पे है? गोवा में है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। इसी से संबंधित इस बार क्वेश्चन भी आया था पीसीएस में, मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है, तो ये अभी पेपर में भी आया था, तो इसको ध्यान देना है आप लोग, देखना उसे, उसमें आया था मेरे ख्याल से। ठीक है ना, चलिए ये हुआ। अभी कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे गंडक नदी परियोजना के बारे में जानते होंगे आप लोग। तो गंडक नदी परियोजना, तो भैया ये क्या है? गंडक नदी परियोजना भारत नेपाल समझौता हुआ। गंडक नदी परियोजना के लिए भारत नेपाल का समझौता हुआ है, ठीक है। फिर नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, एक तो नेपाल, फिर यूपी, उसके बाद बिहार, इन तीनों में सिंचाई की सुविधा के लिए बनाया गया है। कहाँ पे बना भाई गंडक नदी परियोजना? तो वाल्मीकि नगर है। बिहार बीपीएससी देंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वाल्मीकि नगर भी बिहार में पड़ता है, ठीक है। और वाल्मीकि नगर अगर बिहार में पड़ रहा है, बिहार जिले में, बिहार राज्य में, तो यहीं पर गंडक नदी परियोजना भी स्थापित की गई है। इसी के तहत, गंडक नदी परियोजना के तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पश्चिमी नहर प्रणाली और पूर्वी नहर प्रणाली, एक तो पश्चिमी, दूसरी पूर्वी नहर प्रणाली, ठीक है। नहर नहर है, नहर प्रणाली, ठीक है, विकसित की गई है। जाहिर सी बात है, ये पश्चिमी नहर प्रणाली हो सकता है यूपी की तरफ आ रही हो, और ये पूर्वी नहर प्रणाली हो सकता है बिहार की तरफ जा रही हो, है ना? ठीक है, तो वाल्मीकि नगर में है, बिहार में ही स्थित है गंडक परियोजना, ठीक है। एक और बांध है, बांध का नाम है अलमट्टी बांध। अलमट्टी बांध कहाँ पे है? अलमट्टी बांध है आपका कृष्णा नदी पर, ठीक है। तो अलमट्टी बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। कुछ और हैं, एक आग बची हुई, एक और देख लेते हैं, उससे भी प्रश्न आते हैं बहुत सारे। तो
जैसे नर्मदा सागर परियोजना, एक तो हमने नर्मदा घाटी परियोजना बताया, तो दूसरा है नर्मदा सागर परियोजना, ठीक है। तो नर्मदा सागर परियोजना क्या है, लास्ट है ये, तो ये इसको बोलते हैं इंदिरा सागर बांध भी बोलते हैं। भैया नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर बांध भी बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश मतलब एमपी में, एमपी में कहाँ, खंडवा जिला, खंडवा खंडवा जिले में है नर्मदा सागर परियोजना, ठीक है। अच्छा, हमने नर्मदा घाटी परियोजना पढ़ा था अभी, नर्मदा, तो नर्मदा सागर परियोजना पता चल गई, अब नर्मदा घाटी परियोजना देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पे। इसी नर्मदा घाटी परियोजना के तहत तवा, बारना, एमपी स्पेशल भी तैयार होगा, आपका जनरल भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तवा, बारना, कोलार, एक कोनार था, एक कोलार है, ये कोलार है, ठीक है। वो कोनार मध्य प्रदेश में है, कोनार नदी पर, ठीक है। इसके अलावा फिर वही है, सुक्ता है, सुक्ता भी है इसी के, इसी में आती है, नर्मदा घाटी में ही, ठीक। फिर मटियारी, मटियारी भी आती है इसी में, ठीक है। फिर बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। तो तवा, बारना, कोलार, सुक्ता, मटियारी परियोजनाएं जो हैं नर्मदा घाटी परियोजना के तहत आती हैं, इतना भी हमें ध्यान रखना है। एक और है अपर वेदा परियोजना, अपर वेदा, ये वेदा नदी पर है, अपर वेदा परियोजना वेदा नदी पर है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता हो गई, ठीक है। अभी थोड़ा सा कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, प्रश्न तो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं ऐसे, कि वो स्टेटमेंट के तौर पे, या फिर हो सकता है कथन और कारण दे के, है ना, कथन और कारण, स्टेटमेंट और असर्शन इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं बहुत सारी, नहीं, भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, कथन हो गया। तो कारण क्या है, कारण है सिंचाई की सुविधा, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन, पर्यटन जैसे अनेक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए। तो वही कथन भी सही है, एस सही है और आर भी सही है ना। भारत में बहुउद्देशीय, बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, स्टेटमेंट हो गया। रीजन क्या हुआ कि सिंचाई सुविधा, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन, पर्यटन जैसे अनेक कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हो सकते हैं। तो भैया दोनों जब सही हैं, तो ये सही व्याख्या भी तो इसकी कर रहा है ना, तो स्टेटमेंट लगभग ए वो आंसर ही होता है उसका, कि एस और आर दोनों सही हैं और आर जो है एस की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से बनाते हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। तो इन सबको अच्छे से याद कर लें आप लोग, क्योंकि ये जितने भी हैं इनमें से प्रश्न ज़रूर आएंगे। जैसे ये देखिए लास्ट में जो बताया हमने, ये तीन के तीन ऑप्शंस थे यूपी पीसीएस में, सीधे सीधे यही दिए गए हैं, है ना। तो ये भी थोड़ा सा, इसलिए इनको पढ़ के अच्छे से रेडी रहिए, बिहार पीसीएस भी है सामने और भी एग्जाम्स होते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मटेरियल बहुत है, लेकिन कमी सिर्फ इस बात की है कि आप लोग उसे अच्छे से, उस ध्यान से पढ़ते नहीं है, ठीक है।
और नहीं पढ़ते हैं, इसका यही नतीजा है कि एग्ज़ाम में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, चाहे यूपीएससी का हो दिया हो आपने, चाहे पीसीएस का, या फिर बीओ आर ओ आर कुछ भी दिया है, तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा। उसका यही रीज़न है कि आप लोग उसको पढ़ नहीं रहे हैं। नोट्स में कोई कमी नहीं है, नोट्स इस बार भी अच्छा था। पीसीएस में 95 करीब क्वेश्चंस आए हैं, अगर वही आप पढ़ के सही से करते तो 95 प्लस तो आप रहते ही, कम से कम 80 पर नहीं गिरते, ठीक है। तो आप लोगों की कमियां हैं वो, आप लोग उसको सुधारेंगे नहीं तो ये आप ही उसके लिए परेशान होंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो के साथ अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।